हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगिंग सेफ्टी के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रिगिंग सेफ्टी के बारे में। तो बहुत सारी जो वर्क साइट है वहां पर जो है रिगिंग और लिफ्टिंग लोड का जो काम है वो काफी इंपॉर्टेंट वर्क टास्क होता है। कंपनीज जो है जो रिगिंग को परफॉर्म करती है वो जो है उनके ऑपरेशन का जो है एक पार्ट होता है, और उनको जो है ये कंसिडर करना काफी जरूरी होता है कि उनके पास जो है कौन से टाइप की क्रेन है, या फिर अदर इक्विपमेंट जो है वो कौन से वहां पर इस्तेमाल करने वाले है, या फिर जो लोड है वो कौन से टाइप का है, उसको कैसे रिग करना है या फिर लिफ्ट करना है। साथ ही साथ वहां पर जो भी एम्प्लॉयज है वो वहां पर प्रॉपरली ट्रेन है क्या, ताकि वो जो लोड है उसको जो है वो वहां पर प्रॉपरली रिग कर सके और लिप कर सके। तो ये जो सारी चीजें है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट वहां पर हो जाता है। फिर उसके बाद है कि अनस्टेबल, जैसे कि लोड हो गया, या फिर अगर आपने हैंड सिग्नल अगर प्रॉपरली वहां पर नहीं दिया है, या फिर जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको अगर प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर अगर वहां पर क्रेन अगर इस्तेमाल कर रहे हो या फिर इक्विपमेंट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका जो है अगर आपने प्रॉपरली अगर मेंटेनेंस अगर नहीं किया है, या फिर अगर आप जो है उस क्रेन का या फिर इक्विपमेंट का प्रॉपरली जो है इंस्पेक्शन नहीं करते हो वो भी फ्रीक्वेंटली टाइम पर, तो ये जो सारे कॉजेस है इसकी वजह से जो है साइट पर इंसिडेंट भी हो सकता है, और इस इंसिडेंट के कारण जो है काफी ज्यादा मात्रा में जो है इंजुरी हो सकती है, यहां तक कि वर्कर की जान भी जा सकती है। तो अगर आपके कंपनी में रिगिंग ऑपरेशन अगर परफॉर्म होता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि सभी जो इम्प्लॉयज है उनको उनका जो क्या रोल है वहां पर वो पता होना चाहिए। जैसे कि रिगिंग का काम करते वक्त जो है हमें कौन से हजार का जो है वहां पर सामना करना पड़ सकता है, या फिर वहां पर प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, वो भी जो भी इक्विपमेंट आप वहां पर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके इंस्पेक्शन के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए, तो ये जो सारी चीजें है ये आपको पता होना काफी जरूरी हो जाता है। चलिए अब जानते हैं इम्प्लॉई रोल के बारे में। तो जो भी वर्कर रिगिंग ऑपरेशन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर जो है खास तौर से तीन रोल होते हैं, जैसे कि पहला हो गया एक ऑपरेटर, दूसरा हो गया रिगर और तीसरा हो गया सिग्नल मैन। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्टली वो भी क्रेन को ऑपरेट करने के लिए, डेरी को ऑपरेट करने के लिए, या फिर अदर जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट है उसको ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेटर जो है वो अवेयर होना चाहिए क्रेन की जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में, साथ ही साथ जो है उसको ये पता भी होना चाहिए कि जो भी इक्विपमेंट वहां पर है उसको जो है कैसे मेंटेन करना है। फिर उसके बाद है कि ऑपरेटर जो है वो वेल क्वालिफाई होना चाहिए, साथ ही साथ जो है उसको जो भी क्रेन ऑपरेशंस है उसके बारे में जो है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है उसके पास सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए वो भी एक्रेडिटेड जो भी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी तरफ से। फिर उसके बाद है कि जो भी ऑपरेटर है तो उसका जो भी इक्विपमेंट है, जैसे कि जो भी क्रेन है, उसको उसने जो है डेली बेसिस के ऊपर या फिर पीरियोडिक जो है उसका इंस्पेक्शन करना काफी जरूरी होता है, साथ ही साथ उसको जो है क्रेन का जो लोड चार्ट है उसको वेरीफाई करना काफी जरूरी होता है, ताकि वो मेक श्योर कर सके कि जो भी वो लिफ्टिंग कर रहा है वो वहां पर सेफ है। चलिए अब जानते हैं रिगर्स के बारे में। तो रिगर्स यानी कि ऐसे वर्कर्स होते हैं जो लोड को क्रेन के साथ में अटैच करते हैं या फिर डिटैच करते हैं, या फिर वो अदर लिफ्टिंग डिवाइसेस भी जो है वो हो सकते हैं जिसके साथ उसको लोड को जो है अटैच या फिर डिटैच करना पड़ सकता है, तो उसे रिगर कहा जाता है। अब OSHA ये डिफाइन करता है कि क्वालिफाइड जो रिगर है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके पास जो है प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास जो है सर्टिफिकेशन भी जो है वो होना चाहिए रिगिंग ऑपरेशन को जो है वो परफॉर्म करने का, और साथ ही साथ रिगिंग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व भी उसको करना आना चाहिए, जैसे कि असेंबली हो गया या फिर डिसअसेंबली हो गया, या फिर इनिशियल जो कनेक्शंस होता है लोड का वो भी कंपोनेंट्स या फिर स्ट्रक्चर के साथ में वो उसको करना आना चाहिए, या फिर हुकिंग हो गया, अनहुकिंग हो गया, या फिर लोड को गाइड करना हो गया, तो ये जो सारी चीजें है ये उसको जो है सॉल्व करना आना चाहिए। अब रिगर जो है यहाँ पर क्वालिफाइड होना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइप की जो रिगिंग है उसको करने में, लेकिन ये यहाँ पर जरूरी नहीं होगा कि वो जो है वो क्वालिफाइड होगा अदर टाइप के जो भी रिगिंग जॉब्स है उसको करने के लिए भी। चलिए अब जानते हैं सिग्नल पर्सन के बारे में। तो सिग्नल पर्सन जो है वो काफी रिक्वायर होता है वो भी किसी रिगिंग या फिर लिफ्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, जहां पर ऑपरेटर जो है वो देख नहीं पाता है कि लोड जो है उसको कहां पर प्लेस करना है, या फिर लोड के ट्रैवल पाथ में अगर ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ जाता है उस वक्त भी जो है सिग्नल पर्सन की यहां पर जरूरत होती है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन की जहां पर ऑपरेटर या फिर जो भी लोड हैंडलर है यानी कि जो लोड को हैंडल कर रहा है उनको ये लगता है कि यहां पर सिग्नल पर्सन की जो है यहां पर जरूरत होती है लोड को सेफली वहां पर मूव करने के लिए, तो उस वक्त भी जो है सिग्नल पर्सन की वहां पर जरूरत होती है।
अब सिग्नल पर्सन को जो है यहाँ पर जानना काफी जरूरी होता है कि हैंड सिग्नल क्या होते हैं, तो ये चीजें उसको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अदर कम्युनिकेशन मेथड वहां पर क्या है उस वर्क साइट पर, उसके बारे में भी उसको पता होना चाहिए। अब ये जो सिग्नल पर्सन है इसका जो है कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट होना चाहिए ऑपरेटर के साथ में, जब भी वो लोड को एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करता हो उस वक्त। और ये जो सिग्नल पर्सन है ये क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे वो इम्प्लॉयर के द्वारा जो भी क्वालिफाइड इवेल्युएटर है उसके द्वारा वो क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर थर्ड पार्टी क्वालिफाइड जो इवेल्युएटर है उसके द्वारा वो क्वालिफाइड होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं इंस्पेक्शन के बारे में। तो कोई भी जो इक्विपमेंट जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिगिंग के लिए, तो उसका जो है प्रॉपर वहां पर रेगुलर जो है इंस्पेक्शन होना काफी जरूरी होता है। तो डेली और पेरियोडिक की इंस्पेक्शन अगर आप इक्विपमेंट का अगर करते हो, तो उसकी वजह से जो है इक्विपमेंट जो है अच्छी कंडीशन में रहते हैं। अब डेली इंस्पेक्शन में जब भी प्री शिफ्ट होती है, तो उसके दरमियान जो है आपको जो भी क्वालिफाइड पर्सन है, जनरली जो ऑपरेटर होता है, तो उसने जो है क्रेन का कंट्रोल कैसा है उसको इंस्पेक्ट करना काफी जरूरी होता है। साथ ही साथ उसको चेक करना है कि क्रेन जो है सेफ्टी डिवाइसेस जो है वो वहां पर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है क्या, या फिर अदर मैकेनिकल जो भी इक्विपमेंट है तो उसको भी चेक करना काफी जरूरी होता है, वो भी काम को शुरू करने से पहले। अब रिगर के जो डेली इंस्पेक्शन है उसमें ये इन्वॉल्व होता है, जैसे कि उसको चेक करना है कि हुक की कंडीशन कैसी है, उसको चेक करना है लैचेस हो गया, रोप्स हो गया, चेन्स हो गया, या फिर अदर होस्टिंग जो इक्विपमेंट है उसमें अगर ज्यादा एक्सेसिव अगर वेयर या फिर अगर टियर आया है क्या, तो वो उसको डेली इंस्पेक्शन में जो है चेक करना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद है कि पीरियोडिक जो इंस्पेक्शन है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में होता है कंपेयर टू डेली इंस्पेक्शन। अब पीरियोडिक जो इंस्पेक्शन है वो साल में एक बार करना काफी जरूरी होता है, लेकिन ये इंस्पेक्शन जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इक्विपमेंट की जो कंडीशन है वो कैसी है और इस इक्विपमेंट का जो है वो कितना जो है वहां पर इस्तेमाल किया गया है। अब जो भी कंपोनेंट्स है उसका भी जो है यहाँ पर पेरियोडिक जो है इंस्पेक्शन होना काफी जरूरी होता है, जैसे कि उसमें इंक्लूड है कि वहां पर जो बोल्ट्स है या फिर रिवेट्स है वो लूज तो नहीं हुए, वो वहां पर चेक करना, ब्रेक की कंडीशन कैसी है, बेरिंग कैसा है, या फिर वहां पर कोई क्रैक तो नहीं आई है, या फिर जो शेव्स है उसमें कहीं वॉन तो नहीं हुआ है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जैसे कि पुश बटन स्टेशन हो गया, तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है इसका यहाँ पर पेरियोडिक इंस्पेक्शन करना काफी जरूरी होता है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो रिगिंग का काम होता है तो उसके अराउंड में सेफ वर्क जो है हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो जैसा कि हम क्रेन से जो है कोई भी जो लोड है वो उठाते हैं, तो उस वक्त जो है हमेशा ये चांस होता है कि जो भी होइस्ट लाइन है या फिर स्लिंग हो गया या फिर इक्विपमेंट का जो अदर पीस है वो वहां पर स्नैप या फिर फेल हो सकता है, तो उस वक्त जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना ये काफी जरूरी हो जाता है जब भी आप क्रेन के अराउंड में वहां पर काम करते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सभी जो इम्प्लॉयज है उन्होंने हार्ड हैट यानी कि जो सेफ्टी हेलमेट है उसको पहनना काफी जरूरी होता है जब भी वो क्रेन के अराउंड में वहां पर काम कर रहे हो, और खास तौर से अगर वो रिगिंग के लिए वहां पर इन्वॉल्व है तो उन्होंने जो है पहनना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद है कि सभी जो इम्प्लॉयज है उन्होंने सेफ डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है क्रेन के साथ में, यानी कि जो भी क्रेन है वो अगर लोड को अगर मूव कर रही है तो उस वक्त जो है सेफ डिस्टेंस वहां पर मेंटेन करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी लोड है उसको जो है इंप्लॉय के ऊपर से जो है कभी भी लेना नहीं है, या फिर किसी भी इंप्लॉय को जो है उस लिफ्टिंग जो लोड है उसके अंडर से जो है गुजरने के लिए जो है आपको वहां पर अनुमति नहीं देनी है। फिर उसके बाद है कि क्रेन से जब भी आप लोड उठाते हो तो वो अगर सस्पेंडेड लोड है तो उसको आपको कभी भी अनअटेंडेड नहीं रखना है, या फिर वहां पर उस लोड के अंडर से नीचे से जो है किसी भी पर्सन को वहां पर जाने की अनुमति नहीं देनी है। फिर उसके बाद है कि मिड लोड में अगर क्रेन अगर ब्रेकडाउन हो जाती है तो उस वक्त जो है सबसे पहले आपको जो है उस प्लेस के ऊपर जो है लोड को वहां पर सिक्योर करना है और उस एरिया को जो है वहां पर ब्लॉक करना है। फिर उसके बाद है कि जो ऑपरेटर है उसको जो है वहां पर कंट्रोल के ऊपर जो है वहां पर वैसे ही रहना है, साथ ही साथ अगर हो सके तो वहां पर जो है लॉकआउट करना है और उस ऑपरेटर को जो है वहां पर रहना है जब तक क्रेन जो है वहां पर रिपेयर नहीं हो जाती है तब तक। तो ये जो सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है ये सारी चीजें जो है आपको पता होना काफी जरूरी होता है जब भी आप रिगिंग का काम करते हो और उसको अगर आपको सेफली करना हो तो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा रिगिंग सेफ्टी के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।